आज की मिठाई अगर आप किसी को भी खिलाओगे ना तो आप उसका दिल जीत लोगे। मतलब दिल जीतने वाली ये मिठाई है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही आसान। मतलब आसान भी है, टेस्टी भी है, यम्मी भी है और दिल जीतने वाली है। इस मिठाई की खास बात ये है कि आप इसे व्रत में भी खा सकते हो। तो क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो आप उस टाइम पे भी इसे बना करके खा सकते हो। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मतलब सुंदर दिख रही है। इतनी जितनी ज़्यादा सुंदर दिख रही है ना, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। बिल्कुल मक्खन की तरह आपके मुंह में ये फिसल जाएगी और जितनी बाइट आप इसकी लोगे ना, आपको मन करेगा उतना और ज़्यादा खाओ, इतनी ज़्यादा अच्छी है। इस तरीके से अगर आप मिठाई बनाएंगे तो लगभग 1 किलो जितनी ये ढेर सारी बन करके तैयार होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मक्खन वाली मिठाई है जिसके लिए आपको चाशनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से ये टूट चुकी है, बिल्कुल मक्खन की तरह टूटी है। तो ये मुँह में घुलेगी बिल्कुल मलाई की तरह। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। अब देखो ये मक्खन मलाई मिठाई जो भी है, इसको बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले तो एक ट्रे या प्लेट। मेरे पास ये काफ़ी पुरानी प्लेट है, जब मैं छोटी थी ना तभी से ये देखती चली आ रही हूँ ये प्लेट। मुझे पता नहीं, शायद ये मेरी दादी के ज़माने की है, मम्मी के ज़माने की है। खैर जो भी है, कोई भी प्लेट ले लो, उसे ग्रीस कर लो। हाँ, अब इसको हम बनाने वाले हैं इस तरीके से, ये पीनट्स यानी कि मूंगफली से। ये कच्ची मूंगफली है और ये जो मेज़रमेंट कप आता है ना, उससे नाप करके मैंने ली है। तो ये पूरे 2 कप जितनी मूंगफली हैं। अब इस मूंगफली को हमें क्या करना होगा, इसे हमें रोस्ट करना होगा। तो किसी भी कढ़ाई में, बर्तन में डालते हैं आप। और अच्छा, आज की रेसिपी की एक खास बात और है ना कि इसमें घी वगैरह भी नहीं पड़ा है। विदाउट घी आप, विदाउट मिल्क आप इसे बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब हमें इसे मतलब अच्छी तरीके से चलाना है और इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। अच्छा, अब मूंगफली भूनते समय आपको 2 से 3 बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आपने बातों का ध्यान नहीं रख रहा तो फिर क्या होगा कि मिठाई अच्छी नहीं बनेगी, कलर चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा। वो 2 से 3 बातें क्या हैं कि देखिए, जब ये भून जाती है तो चटचट की आवाज़ आती है इसमें से, ठीक है। इसका कलर आपको पूरी तरीके से चेंज नहीं करना है कि इसको लाल पीला हरा कर दो, ऐसा नहीं करना है। धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए ही आपको इसे अच्छे से रोस्ट करना है, इतना कि जितने में उसका छिलका निकल जाए। अब हमने लिया ये मखाना, ये हमने 1 कप जितना मखाना ले लिया है। इस मखाने को भी हम क्या करेंगे, उसी कढ़ाई में डाल करके रोस्ट कर लेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैंने जब दोनों ही चीज़ें रोस्ट करनी थी तो एक साथ रोस्ट क्यों नहीं की, क्यों मैं यहाँ पर ये दोनों बार रोस्ट कर रही हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि ये जो मूंगफली होती है उसको रोस्ट करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, और अगर आप मखाने और मूंगफली दोनों साथ में रोस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो मूंगफली है वो अच्छे से रोस्ट नहीं हो पाएगी और आपके मखाने जलने लगेंगे। तो इस वजह से आपको दोनों चीज़ों को अलग अलग ही रोस्ट करना है। अब इसके बाद हम अपनी मूँगफली को देख चलते हैं। ये जो मूँगफली है ना, ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है, ठीक है। ठंडी होने के बाद ही आप इन्हें मतलब टच कीजिएगा, इसके बाद ही आप इसका छिलका जो है वो उतारिएगा। तो यहाँ पर छिलका आप हाथ से उतार सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। आप इस तरीके से एक टावल लीजिए, टावल के अंदर ऐसे ही डाल दीजिए और इस तरीके से इसे दबाइए, या फिर आप इसे चारों जो किनारे हैं ना, इसको पकड़ के ज़मीन पर पटक पटक के, पटक पटक के इसका जो छिलका है ना वो निकाल दीजिए। तो मैंने तो वैसे आपको दिखाया ऐसे हैंड से, लेकिन बाद में मैंने इसके चारों किनारों को पकड़ के पटक पटक के इसका जो छिलका है वो निकाल दिया। इसके बाद जैसे मम्मी लोग चावल वगैरह फटकती है ना, वैसे फटक करके इसका छिलका उतर जाता है, हट जाता है। अब यहाँ पर मैंने इसे जार में डाला और इसे पीस लिया है। पीसने के बाद हम इसे छान लेंगे, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इसे छान लेंगे। पीसते वक्त ध्यान रखिएगा कि एकदम से मशीन मत चलाइएगा कि इसका तेल निकल जाए और ये इस तरह से ना हो पाए, ऐसा मत कीजिएगा। और ना ही इसे गरम गरम पीसिएगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पीस दोगे ना तो क्या होगा कि उसका तेल छूट देगा। अब इसी तरीके से मखाने भी पीस लेंगे। ये देखिए मखाने भी पीस गए हैं और इसे भी छान लेंगे। तो बस ध्यान रखिएगा कि मूंगफली गरम मत पीसिएगा और मिक्सर को एकदम से मत चला दीजिएगा। एकदम से चला देंगे तो नीचे की जो मूंगफली है वो गीली हो जाएगी, उसका तेल छूट जाएगा। धीरे धीरे करके चलाइएगा। अब इस रेसिपी को आप बना सकते हैं चीनी से, गुड़ से या फिर मिश्री से, किसी भी चीज़ से आप बना सकते हैं। व्रत में बना रहे हैं तो कई लोग गुड़ नहीं खाते, तो आप चीनी से बना लीजिए या फिर दोनों चीज़ों से बना सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पर दोनों चीज़ों से बना रही हूँ, यानी कि गुड़ भी यूज़ करूँगी, चीनी भी। गुड़ डायरेक्ट मत यूज़ कीजिए, गुड़ को थोड़े से पानी में घोल लीजिए और इसके बाद इसे छान लीजिए ताकि इसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाएँ, और इसके बाद हम गुड़ का पानी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम इस रेसिपी में मक्खन मलाई जो नाम है इसके कारण है, क्योंकि हम इसमें मलाई का इस्तेमाल करने वाले हैं।
यहाँ पर मैंने जो है लगभग आधे कप के करीब मलाई ली हुई है, ये घर की मलाई है। अगर बाई चांस आपके पास ये मलाई नहीं रहती है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मावे का या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें साथ में चीनी भी डाल दी है, तो आधे कप जितनी हमने इसमें चीनी डाल दी है। और चीनी डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आँच पर या फिर मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे। और फिर इसके बाद इसमें हमने ये जो गुड़ का पानी तैयार किया था ना, उसे डालेंगे। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गुड़ का पानी मत तैयार कीजिएगा, सिर्फ आधे कप या 3/4 कप जितना ही आपको पानी तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पतला करने का मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इसे अभी पकाना पड़ेगा, तो इसीलिए इसे आप गाढ़ा ही रखिए तो बेटर रहेगा। थोड़ा सा इलायची का पाउडर ऐड कीजिए, जिससे इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 से 7 मिनट के बाद कितने अच्छे से थिक हो रहा है, लग रहा है ना बिल्कुल जैसे कंडेंस मिल्क जैसी फीलिंग आ रही है। तो ऐसे पकने लगेगा और मज़ेदार हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखो यार, कोई चाशनी वगैरह का झंझट नहीं लिया हमने और ना ही हमने इसमें घी का इस्तेमाल किया, लेकिन जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं ना, वो हर किसी के घर में रहते हैं, मौजूद रहते हैं। और बहुत अच्छी रेसिपी जो है ये है, बने के तैयार होगी, बहुत यमी लगेगी। मतलब लोग आपसे पूछेंगे कि मतलब कैसे बनाई है आपने, बहुत ही नई और यूनिक रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मेरी गारंटी जब आपको मिल रही है रेसिपी में, तो आप समझ जाइए कि रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी आपकी। कोई भी अगर आपको बनाते वक्त कभी कोई दिक्कत आ जाती है, बाय चांस आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और वहाँ पर आप मुझे DM कीजिए, मैं आपको विदिन 24 आवर्स के अंदर आपका रिप्लाई दूंगी। लेकिन जब आप रिक्वेस्ट डालना ना DM करना, तो जो है उसमें अपनी प्रॉब्लम ज़रूर से लिख देना, ठीक है। फिर इसके बाद मैं एक्सेप्ट करके आपको ज़रूर से रिप्लाई दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने धीरे धीरे करके जो हमने मूंगफली और मखाने पीस करके छान करके रखे थे, इसे ऐड कर दिया है बगैर किसी घी वगैरह के। ये इस पैन के अंदर मस्त डांस कर रहा है, ब्रेक डांस कर रहा है ये। तो इस तरीके से बैली डांस और ब्रेक डांस जब ये करने लगे, तो समझिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। छोटी सी प्लेट में आप ऐसे इसका थोड़ा सा जो है मिक्सचर निकाल करके देखिए, हाथों से छू के देखिए, ये इस तरह से बॉल बनना चाहिए, देखिए इस तरह से। तो ये हमारे अच्छे से बॉल बन रही है, ये पक के तैयार हो चुका है। घी, क्योंकि हमने इसमें पीनट डाला हुआ था, मलाई डाली हुई थी, तो ऑटोमेटिक इसमें घी बन गया, इसमें मॉइस्चर आ चुका है। अब इस तरीके से जब आपका डो हो जाए, कंबाइन करने लगे, डांस करने लगे, तो बस गैस को बंद कर दीजिए, फटाफट से डाल दीजिए इसे आप एक तरह की ट्रे में या फिर मोल्ड में, जो भी बर्तन हो आपके पास उसमें डाल दीजिए और इसे सेट कर लीजिए। अब यहाँ पर इस रेसिपी की खास बात यह है कि ये जो रेसिपी है, ये मक्खन की तरह मुंह में घुलेगी। तो आप सोचो कि ये अगर कतली की तरह या फिर चाशनी वाली बर्फी की तरह सेट हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये इसमें मलाई पड़ी हुई है, बगैर चाशनी की है, पीनट की है, तो ये वैसे सेट नहीं होती है। लेकिन इसका जो टेस्ट है ना, वो बहुत अच्छा आता है, बहुत बहुत अच्छा आता है। तो बस ऊपर से आप इसमें डाल दीजिए गुलाब की कतरी, सॉरी गुलाब की कतरी नहीं, इसको बोलते हैं रोज़ पेटल्स, मतलब गुलाब की पंखुड़ियाँ सूखी वाली। और इसमें थोड़ा सा मैंने पिस्ता डाल दिया है। मेरे काटने पर ही आप सभी को एहसास हो रहा होगा कि ये रेसिपी कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है, एकदम स्मूथ हमारी नाइफ चल रही है, चूई वाली मिठाइयाँ बिल्कुल नहीं है, ये खाने में टेस्टी है, यमी है और आसान है। वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, बहुत अच्छे लगता है मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो प्लीज़ यार वहाँ पे फॉलो कर लो, बहुत कम फॉलोवर्स हैं मेरे वहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी।